दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी की आज 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इसके साथ ही साथ सुबह हम लोगों ने उनकी यादगार स्थल स्वाभिमान स्थल पर घेवरा मोड़ पर भी वहाँ हवन इत्यादि करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के बारे में सब लोग जानते हैं, दिल्ली के लोकप्रिय नेता रहे हैं, दिल्ली में किसानों में, ग्रामीण क्षेत्र में और पूरे दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वो एक ऐसे नेता के रूप में उनकी पहचान थी जो सदा कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए हमेशा सुलभ रहने वाले, हंसमुख स्वभाव, लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर ऐसे पूजनीय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और कार्यकर्ताओं को उनके माध्यम से उनके जीवन से बहुत प्रेरणा लेने की बात है। उनके सादगीपूर्ण व्यवहार, उनका अपने शरीर पर योग और प्राणायाम के माध्यम से, सैर के माध्यम से वो शरीर भी अपना सही रखते थे और हमेशा सक्रिय रहते थे। कार्यकर्ताओं के लिए कभी भी उन्होंने किसी काम के लिए कोई जाता था तो बड़े प्यार से मिलना, ये जो छाप थी उनकी वो वास्तव में कार्यकर्ताओं को आज भी उनकी याद आती है और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लिए उन्होंने दिल्ली के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते दिया है। आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हमने कहा कि घर पर ही रह के, कोरोना संकट का समय है, घर पर रह के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनके द्वारा किए गए कामों को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही साथ जो कोरोना संकट चल रहा है उसमें जिस तरह से डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी का जीवन था उससे भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो नित्य प्रतिदिन सुबह उठ के उनका दिनचर्या 4 बजे से प्रारंभ हो जाती थी, उससे भी काफ़ी लोगों को सीखने की ज़रूरत है। इस अवसर पर हमारे साथ हमारे सांसद और उनके सुपुत्र प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी भी हैं। मैं डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए नमन करता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ। आज डॉक्टर साहिब सिंह जी की पुण्यतिथि है, वो मेरे पिताजी होने के साथ साथ मैंने उनको एक अपने गुरु के रूप में हमेशा देखा और मैंने देखा कि कैसे उन्होंने जीवन में अपने पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिक्षक के साथ में, उनके कार्यकर्ता होने के साथ में, स्वयंसेवक के साथ में, उसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। दिल्ली का जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसको भारी दिल्ली कहा जाता है, वहाँ से वो लोकसभा का चुनाव लड़ते थे और वो पहला लोकसभा का चुनाव 1991 में लड़े दिल्ली में, भारी दिल्ली में। 1991 से पहले भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर लोकसभा का चुनाव हमेशा गठबंधन में लड़ती थी, कभी भी कमल का निशान पे कोई उससे पहले का चुनाव नहीं लड़ा गया। तो भारी दिल्ली के लोगों को जो कमल का निशान है वो सबसे पहले डॉक्टर साहिब सिंह जी के चुनाव में दिखाई दिया था, तब उन्होंने देखा था कि कमल का निशान पे हमको वोट डालनी है। वो दिन है और आज का दिन है, मैं बहुत ही गर्व होता है कि हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने पार्टी के साथ में जोड़ा और आज अगर दिल्ली में चाहे वो निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो हमारे लोकसभा का चुनाव हो, सबसे ज़्यादा अगर मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो भारी दिल्ली से मिलता है, गांव से मिलता है, उन सारे क्षेत्रों से मिलता है जहां पर उन्होंने खूब अपने जीवन में मेहनत की थी। आज पार्टी के द्वारा प्रदेश कार्यालय में उनको श्रद्धा सुमन, उनको पुण्यतिथि के दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी है। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, आज सुबह वो वहाँ पे समाधि स्थल में भी हवन के लिए आए थे और आज अभी उन्होंने यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि दी है, मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी वो कार्यकर्ता जो अपने अपने घर से रहकर
आज उन्होंने ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है, मैं उनको भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.